नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है दोस्तों पीएम न्यूज में। दोस्तों हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम खबरें बताने चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ताज़ा खबर लेके आते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10,000 रुपये में बुक करें अपना सपनों का घर, आज से करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये में बुक हो रहा है घर। राजधानी दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बार फिर से मौका लेकर आ रहा है। DDA ने 18,000 फ्लैट्स की स्कीम के लिए आज से आवेदन शुरू कर दिया है। यदि आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। DDA के अनुसार राजधानी दिल्ली के नरेला और वसंत कुंज में 18,000 फ्लैट्स की योजना के लिए 25 मार्च से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मई है दोस्तों। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मियों में देरी से कंपनियों ने AC और फ्रिज में घटाए दाम, 20% घटाए दाम। जी हाँ दोस्तों, AC और TV के दाम कम हो रहे हैं दोस्तों। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनियों ने कम बिक्री वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें इस महीने 20% तक घटाई है। इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि इस कारण डिमांड कम होने से इन्वर्टर जमा हुए हैं। दिवाली के बाद से बिजली तेजी में नरमी आई है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में देरी से अभी तक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे अप्लायसेंस की बिक्री भी नहीं बढ़ी है। DPCA MA के एक रिपोर्ट ने बताया है कि सैमसंग, LG और पैरासोनिक जैसी कंपनियों ने अक्टूबर की तुलना में इस महीने प्राइसेस 20% तक घटाए हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 अप्रैल से कार खरीदना हो जाएगा महंगा, 25,000 रुपये तक बढ़ेगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, कार की कीमत बढ़ने वाली है। अगर आप भी नई कार लेने की सोच रहे हैं तो जल्द करिए, क्योंकि 1 अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने सभी गाड़ियों की 1 अप्रैल से 25,000 रुपये तक की महंगाई करने जा रही है। कंपनी ने शनिवार को ऐलान किया है कि इसका असर कार, यूटिलिटी, गैस, बस, ट्रक और डिफेंस व्हीकल सभी पर पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा है। $45 अरब की ग्लोबल ऑटो कंपनी के प्रेसिडेंट मयंक पारिक ने कहा है कि मार्केटिंग कंडीशन में बदलाव की वजह से गाड़ियों की कीमत में दाम बढ़ाने की पेशकश हुई है। कमजोर वैश्विक संकेतों और सुस्त मांग पड़ने से सोने में आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोना हुआ सस्ता। कमजोर वैश्विक रूप और स्थानीय आभूषण कारोबारी की सुस्त मांग से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 50 रुपये गिरावट के साथ 33,170 रुपये प्रति ग्राम आ गया है। औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं का उठा घटने से चांदी भी 100 रुपये टूटकर 39,100 रुपये प्रति किलो आ गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि वैश्विक बाजारों के रुख के कारण स्थानीय बाजार में सोने की गिरावट रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके पूर्व 17 में 1 माह के उच्च स्तर को छूने के बाद सोने में गिरावट आई है। वैश्विक शेयर बाजार में मामूली सुधार और अमेरिकी ट्रेजर आय के बढ़ने से यह हुआ है। पेट्रोल के दाम में रहे स्थिर दोस्तों, पेट्रोल हुआ 11 पैसे सस्ता। आज देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार 26 मार्च 2019 को पेट्रोल के दाम लगातार दूसरे दिन स्थिर रखने वाले है। वही डीजल के दाम में 11 पैसे कटौती हुई है। वही दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 72 रुपये प्रति लीटर तो वही डीजल का दाम 66 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 78 रुपये, वही डीजल का दाम 70 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 74 रुपये, वही डीजल का दाम 68 रुपये हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 75 रुपये, वही डीजल का दाम 70 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंद हो सकते हैं देश भर के 1,13,000 ATM, जानने इसके पीछे की वजह। देश की आधे से ज़्यादा आबादी ATM का इस्तेमाल करती है, लेकिन 31 मार्च तक देश के आधे से ज़्यादा ATM बंद हो सकते हैं। उद्योग संगठन कंफेड ऑफ ATM इंडस्ट्री की तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि देश भर में करीब 2,50,000 ATM है, जिसमें से 1,13,000 ATM बंद करने के जा सकते हैं। CAT ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ATM हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड और नकदी प्रबंधन योजना के हालिया मानों के चलते मार्च 2019 तक संचालन के अभाव में 50% ATM बंद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है दोस्तों पीएम न्यूज में। दोस्तों हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम खबरें बताने चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ताज़ा खबर लेके आते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10,000 रुपये में बुक करें अपना सपनों का घर, आज से करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये में बुक हो रहा है घर। राजधानी दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बार फिर से मौका लेकर आ रहा है।
डीडीए ने 18,000 फ्लैट की स्कीम के लिए आज से आवेदन शुरू कर दिया है। यदि आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। डीडीए के अनुसार राजधानी दिल्ली के नरेला और वसंत कुंज में 18,000 फ्लैट की योजना के लिए 25 माह से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मई है। दोस्तों चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मियों में देरी से कंपनियों ने एसी और फ्रिज में घटाए दाम, 20% घटाए दाम। जी हाँ दोस्तों, एसी और टीवी के दाम कम हो रहे हैं। दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनियों ने कम बिक्री वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें इस महीने 20% तक घटाई है। इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि इस कारण डिमांड कम होने से इन्वर्टर जमा हुए हैं। दिवाली के बाद से बिक्री तेजी में नरमी आई है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में देरी से अभी तक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे अप्लायसेंस की बिक्री भी नहीं बढ़ी है। बीबीसी एमए के एक रिपोर्ट में बताया है कि सैमसंग, एलजी और पैरासोनिक जैसी कंपनियों ने अक्टूबर की तुलना में इस महीने प्राइसेस 20% तक घटाए हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 अप्रैल से कार खरीदना हो जाएगा महंगा, 25,000 रुपए तक बढ़ेगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, कार की कीमत बढ़ने वाली है। अगर आप भी नई कार लेने की सोच रहे हैं तो जल्द करिए, क्योंकि 1 अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने सभी गाड़ियों की 1 अप्रैल से 25,000 रुपए तक की महंगाई करने जा रही है। कंपनी ने शनिवार को ऐलान किया है कि इसका असर कार, यूटिलिटी, गैस, बस, ट्रक और डिफेंस व्हीकल सभी पर पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा है। $45,000 की ग्लोबल ऑटो कंपनी के प्रेसिडेंट मयंक पारिक ने कहा है कि मार्केटिंग कंडीशन में बदलाव की वजह से गाड़ियों की कीमत में दाम बढ़ाने की पेशकश हुई है। कमजोर वैश्विक संकेतों और सुस्त मांग पड़ने से सोने में आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोना हुआ सस्ता। कमजोर वैश्विक रूप और स्थानीय आभूषण कारोबारी की सुस्त मांग से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 50 रुपए गिरावट के साथ 33,170 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया है। औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं का उठा घटने से चांदी भी 100 रुपए टूटकर 39,100 रुपए प्रति किलो आ गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि वैश्विक बाजारों के रुख के कारण स्थानीय बाजार में सोने की गिरावट रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके पूर्व सत्र में 1 माह के उच्च स्तर को छूने के बाद सोने में गिरावट आई है। वैश्विक शेयर बाजार में मामूली सुधार और अमेरिकी ट्रेजर आय के बढ़ने से यह हुआ है। पेट्रोल के दाम में रहे स्थिर। दोस्तों पेट्रोल हुआ 11 पैसे सस्ता। आज देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार 26 मार्च 2019 को पेट्रोल के दाम लगातार दूसरे दिन स्थिर रखने वाले है। वही डीजल के दाम में 11 पैसे कटौती हुई है। वही दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 72 रुपए प्रति लीटर तो वही डीजल का दाम 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 78 रुपए, वही डीजल का दाम 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 74 रुपए, वही डीजल का दाम 68 रुपए हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 75 रुपए, वही डीजल का दाम 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंद हो सकते हैं देश भर के 1,13,000 ATM। जानिए इसके पीछे की वजह। देश की आधी से ज्यादा आबादी ATM का इस्तेमाल करती है, लेकिन 21 मार्च तक देश के आधे से ज्यादा ATM बंद हो सकते हैं। उद्योग संगठन कंफेडरेशन ऑफ ATM इंडस्ट्री की तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि देश भर में करीब 2.5 लाख ATM है, जिसमें से 1,13,000 ATM बंद करने के जा सकते हैं। CAT ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ATM हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड और नकदी प्रबंधन योजना के हालिया मानों के चलते मार्च 2019 तक संचालन के अभाव में 50% ATM बंद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आपका स्वागत है दोस्तों PM न्यूज में। दोस्तों हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम खबरें बताना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ताज़ा खबर लेके आते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10,000 रुपए में बुक करें अपना सपनों का घर, आज से करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपए में बुक हो रहा है घर। राजधानी दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बार फिर से मौका लेकर आ रहा है। DDA ने 18,000 फ्लैट की स्कीम के लिए आज से आवेदन शुरू कर दिया है। यदि आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। DDA के अनुसार राजधानी दिल्ली के नरेला और वसंत कुंज में 18,000 फ्लैट की योजना के लिए 25 माह से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मई है। दोस्तों चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मियों में देरी से कंपनियों ने AC और फ्रिज में घटाए दाम,
20% घटाए दाम। जी हाँ दोस्तों, एसी और टीवी के दाम कम हो रहे हैं दोस्तों। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनियों ने कम बिक्री वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें इस महीने 20% तक घटाई है। इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि इस कारण डिमांड कम होने से इन्वर्टर जमा हुए हैं। दिवाली के बाद से बिक्री तेजी में नरमी आई है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में देरी से अभी तक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे अप्लायसेंस की बिक्री भी नहीं बढ़ी है। BBC MA के एक रिपोर्ट ने बताया है कि सैमसंग, LG और पैरासोनिक जैसी कंपनियों ने अक्टूबर की तुलना में इस महीने प्राइसेस 20% तक घटाए हैं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 अप्रैल से कार खरीदना हो जाएगा महंगा, ₹25,000 तक बढ़ेगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, कार की कीमत बढ़ने वाली है। अगर आप भी नई कार लेने की सोच रहे हैं तो जल्द करिए, क्योंकि 1 अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने सभी गाड़ियों की 1 अप्रैल से ₹25,000 तक की महंगाई करने जा रही है। कंपनी ने शनिवार को ऐलान किया है कि इसका असर कार यूटिलिटी, गैस, बस, ट्रक और डिफेंस व्हीकल सभी पर पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा है। $45,000 की ग्लोबल ऑटो कंपनी के प्रेसिडेंट मयंक पारिक ने कहा है कि मार्केटिंग कंडीशन में बदलाव की वजह से गाड़ियों की कीमत में दाम बढ़ाने की पेशकश हुई है। कमजोर वैश्विक संकेतों और सुस्त मांग पड़ने से सोने में आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोना हुआ सस्ता। कमजोर वैश्विक रूप और स्थानीय आभूषण कारोबारी की सुस्त मांग से दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 50 रुपए गिरावट के साथ 33,170 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया है। औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं का उठा घटने से चांदी भी 100 रुपए टूटकर 39,100 रुपए प्रति किलो आ गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि वैश्विक बाजारों के रुख के कारण स्थानीय बाजार में सोने की गिरावट रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके पूर्व सत्र में 1 माह के उच्च स्तर को छूने के बाद सोने में गिरावट आई है। वैश्विक शेयर बाजार में मामूली सुधार और अमेरिकी ट्रेजर आय के बढ़ने से यह हुआ है। पेट्रोल के दाम में रहे स्थिर दोस्तों, पेट्रोल हुआ 11 पैसे सस्ता। आज देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार 26 मार्च 2019 को पेट्रोल के दाम लगातार दूसरे दिन स्थिर रखने वाले है। वही डीजल के दाम में 11 पैसे कटौती हुई है। वही दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 72 रुपए प्रति लीटर तो वही डीजल का दाम 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 78 रुपए, वही डीजल का दाम 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 74 रुपए, वही डीजल का दाम 68 रुपए हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 75 रुपए, वही डीजल का दाम 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चलो दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। बंद हो सकते हैं देश भर के 1,13,000 ATM, जानिए इसके पीछे की वजह। देश की आधे से ज्यादा आबादी ATM का इस्तेमाल करती है, लेकिन 21 मार्च तक देश के आधे से ज्यादा ATM बंद हो सकते हैं। उद्योग संगठन कंफेंट ऑफ ATM इंडस्ट्री की तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि देश भर में करीब 2.5 लाख ATM है, जिसमें से 1,13,000 ATM बंद करने के जा सकते हैं। CAT ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ATM हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड और नकदी प्रबंधन योजना के हालिया मानों के चलते मार्च 2019 तक संचालन के अभाव में 50% ATM बंद हो जाएंगे।